हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूव करने वाले हैं, लैग्रेंज थ्योरम, ग्रुप थ्योरी का। ठीक है, स्टेटमेंट क्या कहता है कि ऑर्डर ऑफ इच सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। मीन्स अगर कोई एक फाइनाइट ग्रुप है, उसका जितना भी सब ग्रुप होगा उसका जो ऑर्डर है, सब ग्रुप का ऑर्डर, वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप। मतलब यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि दैट इज ऑर्डर ऑफ, लेट से एच हमारा सब ग्रुप है, तो ये डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी, जी हमारा क्या है, ग्रुप है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कैसे, तो हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जब कोई नंबर किसी, लेट से कि मेरे पास ऑर्डर ऑफ जी गिवेन है, लेट से 12। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि जो जो नंबर 12 को डिवाइड नहीं करेगा वो उसके सब ग्रुप का ऑर्डर नहीं हो सकता। मीन्स इसके पास जो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप होगा, वो क्या क्या होगा, जो 12 को डिवाइड कर दे, जो जो नंबर, तो 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ठीक है, ये क्या है, ये पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप है। मीन्स ये सब ग्रुप का ऑर्डर हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये सारा सब ग्रुप का ऑर्डर होगा। इसमें से हो सकता है कि कुछ इसका सब ग्रुप का ऑर्डर नहीं मिलेगा। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि लेट से अगर हम लोग इस ग्रुप को A4 कंसीडर कर लें, A4 ग्रुप का ऑर्डर कितना होता है, 12 होता है। उसमें 6 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो कन्वर्स है लैग्रेंज थ्योरम का वो ट्रू नहीं होता है। उसके लिए एग्जांपल क्या दे देंगे, A4 जो ग्रुप है हमारा, जो परमुटेशन में जो हम लोग इवन परमुटेशन को कंसीडर करते हैं, उसका जो ग्रुप फॉर्म होगा A4, उसमें 6 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप नहीं होता है, जबकि 6 12 को डिवाइड करता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये देख लिया। अब हम लोग पहले प्रूफ कर लेते हैं लैग्रेंज थ्योरम को और फिर अच्छे समझते हैं कुछ एग्जांपल्स इसको। सो प्रूफ, हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं कि जी हमारा एक फाइनाइट ग्रुप है। सो लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ, लेट से इसका जो ऑर्डर है वो हम लोग एन कंसीडर कर ले रहे हैं। जी हमारा एक फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर एन है, एंड लेट, इसे मैं आगे हम लोग एज्यूम करते हैं, एंड लेट कैपिटल एच बी दी सब ग्रुप ऑफ जी। जी का एक सब ग्रुप क्या है, एच है, और इसका ऑर्डर भी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि लेट से ये एम है, ऑर्डर स्मॉल एम। तो ग्रुप जी का ऑर्डर एन ले लिए, ग्रुप एच का ऑर्डर, सब ग्रुप एच का ऑर्डर एम ले लिए, मुझे क्या दिखाना है कि एम डिवाइड्स एन। ओके, अब जब इस सब ग्रुप में एम ऑर्डर का है, इसका क्या मतलब हुआ, उस सब ग्रुप के अंदर एम एलिमेंट्स होंगे। सब ग्रुप एच के अंदर कितना एलिमेंट्स होगा, एम होगा, उसे हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं। सो लेट H1, H2, H3 अप टू HM आर दी M एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप H। ठीक है, जो सब ग्रुप का जो ऑर्डर M है उसमें M एलिमेंट्स होंगे, तो उसे हम लोग मान लिए कि H1, H2 अप टू HM जो है उसका M एलिमेंट्स है। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे राइट कोसेट डिफाइन करेंगे, कोसेट डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। सो कोसेट कैसे डिफाइन होता है, हम लोग कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं जी से, लेट ए बिलोंग्स टू जी बी एनी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी। ग्रुप जी से हम लोग एक एलिमेंट ले लिए ए, देन द राइट कोसेट कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, दिस इज एच ए। ठीक है, लेफ्ट कोसेट होता तो उसे लिखते हैं ए एच क्या हो गया, लेफ्ट कोसेट। मीन्स ये जो ए जो है एलिमेंट है वो सब ग्रुप में कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर लेफ्ट साइड से हो रहा है तो उसे लेफ्ट कोसेट बोलेंगे, राइट साइड से हो रहा है तो उसे राइट कोसेट बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे राइट कोसेट डिफाइन करें एच ए, और ये एच ए कैसे डिफाइंड होता है, तो एच ए सच दैट एच बिलोंग्स टू सब ग्रुप, जो भी ग्रुप या सब ग्रुप है एच। क्या होगा, ये जो एलिमेंट एच आएगा वो कहाँ से आएगा, उस सब ग्रुप एच से आएगा। और अभी हम लोग सब ग्रुप एच का सारा एलिमेंट डिफाइन कर चुके हैं, तो यहाँ पे एक बार क्या आ जाएगा, H1A, H2A एंड अप टू HMA।
तो जो राइट कोसेट एच ए डिफाइंड होगा उस वो सेट का एलिमेंट कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। एच एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एच वन ए एच टू, ये एच वन एच टू एच एम तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है क्योंकि एम एलिमेंट सी था हमारे सब ग्रुप में, तो उसमें जब ए मल्टीप्लाई करेंगे सारा तो ये जो यहाँ पे जितना भी जो एलिमेंट्स आएगा वो क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा। तो ये जो कोई भी हम लोग राइट कोसेट अगर एच ए लें उसके अंदर कितना एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आएगा, ठीक है। तो मीन्स ये तो हम लोग क्या किया, एक कोसेट कंसीडर किए। लेट्स से कि ए जो हम लोग जी से लिए उसके जगह कोई और एक एलिमेंट बी ले लेते हैं ग्रुप जी से, तो फिर एच भी डिफाइंड होगा, उसके अंदर भी एम एलिमेंट्स आएगा। मीन्स कोई भी राइट कोसेट ले हम लोग ग्रुप जी का, वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर एम एलिमेंट्स आएगा। हेंस इच राइट कोसेट, हेंस इच राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी हैज एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ओके, कि सब में एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होगा, ओके, यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग कोसेट का प्रॉपर्टी जानते हैं। कोसेट का प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर हम लोग दो कोसेट को कंसीडर कर रहे हैं तो या तो वो इक्वल होगा या फिर वो डिसजॉइंट होगा, ठीक है। दो अगर कोई भी कोसेट है वो या तो इक्वल होगा या फिर डिसजॉइंट होगा। अब हम लोग यहाँ पे जो भी कोसेट कंसीडर करेंगे वो कैसा करेंगे, वो डिस्टिंक्ट अलग अलग कोसेट कंसीडर करेंगे। इसका ये मतलब होगा कि जब भी हम लोग दो कोसेट लेंगे वो ऑलवेज यहाँ पे क्या होगा, डिसजॉइंट होगा, क्योंकि हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो इक्वल नहीं है। वी नो दैट टू डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स you know that the two distinct right cosets are always disjoint। हम लोग क्या मान लिए, मान क्या लिए कि हम लोग यहाँ पे दो distinct अगर हम लोग right coset assume करेंगे तो वो always disjoint होगा, ये पता है हम लोग को, ठीक है। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो G है, जो भी हमारा जो G group है वो क्या है, फाइनाइट ग्रुप। इसके अंदर जो एलिमेंट्स होगा, जो भी एलिमेंट्स a1 a2 a3, जो भी एलिमेंट्स हम लोग लेंगे इसके अंदर, वो भी क्या होगा, फाइनाइट नंबर होगा, n एलिमेंट्स तक ही जा सकता है। तो जो कोसेट डिफाइन करेंगे राइट कोसेट, वो क्या होगा, h a1 h a2, अप टू जो भी होगा h समथिंग। तो ये जो देखेंगे जो राइट कोसेट होगा वो भी तो फाइनाइट नंबर ही होगा, क्योंकि एलिमेंट्स ही ग्रुप में फाइनाइट है। ये जो a जो करस्पॉन्ड कर रहा है a से वो फाइनाइट है, तो जो राइट कोसेट होगा वो भी फाइनाइट होगा हमारा, ठीक है। तो सिंस द ग्रुप जी इज फाइनाइट एंड हेंस the राइट कोसेट ऑफ एच इन जी विल बी फाइनाइट, ठीक है। हम लोग क्या बोल दें, जो राइट कोसेट होगा वो भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। एंड से लेट्स से इक्वल टू के, हम लोग यहाँ पे ये मान लिए कि जो भी जो राइट कोसेट होगा यहाँ पे ये इक्वल टू होगा फाइनाइट, और फाइनाइट नंबर को क्या मान लिए कि के राइट कोसेट हमको मिलेगा, जो राइट कोसेट का जो नंबर होगा वो के होगा, ठीक है। और इसे भी और डिफाइन कर लेते हैं, लेट h a1 h a2 अप टू एच ए के बी दी के राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। हम लोग क्या मान लें कि h a1 h a2 अप टू एच ए के जो है वो के राइट कोसेट हमारा एग्जिस्ट कर, हम लोग क्या माने थे अभी कि राइट कोसेट जो भी होगा वो फाइनाइट होगा, उस फाइनाइट नंबर को हम लोग के माने, तो ये हम लोग खुद से अज्यूम किए कि एच ए तक जाएगा एच ए के। अब यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन डाउट हो सकता है स्टूडेंट का कि जब हम लोग जी जो फाइनाइट ग्रुप लिए थे उसका ऑर्डर एन है, उसका ऑर्डर क्या लिए थे हम लोग, एन लिए थे, तो जो एलिमेंट्स होगा जी के अंदर वो क्या होगा, a1 a2 up to an तक होगा। तो जो राइट कोसेट है वो एच ए तक ही क्यों रुक गया, वो एच ए एन तक भी तो जाना चाहिए ना। हो सकता है कि ये h a1 h a2 up to h a n तक जाना चाहिए, तो एच ए के क्यों रुक गया,
तो हम लोग ये बोलेंगे कि बहुत अभी जो हम लोग यहाँ पे बात किए हैं कि कोई भी जो राइट कोसेट लेंगे वो ऑलवेज डिसजॉइंट होगा या फिर इक्वल होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं, जो डिसजॉइंट हो, ठीक है, जो डिसजॉइंट हो, जो इक्वल हो गया उसे हम लोग एलिमिनेट कर दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है जब हम लोग एच ए वन और एच ए एन निकालें वो दोनों इक्वल आ जाए, तो उन सबको हम लोग क्या किए, एक्सक्लूड कर दिए। तो यहाँ जो केसेस हम लोग ले रहे हैं एच ए वन एच टू, ये सारा क्या है कि राइट डिसजॉइंट कोसेट्स हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। ओके ठीक है, अब हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर हम लोग डिसजॉइंट राइट कोसेट्स का यूनियन ले लें, जितना भी राइट कोसेट है हमारा डिसजॉइंट उसका अगर यूनियन ले लिए तो सारा क्या बन जाएगा, जो ग्रुप है हमारा वो फॉर्म हो जाएगा। सिंस द यूनियन ऑफ ऑल डिसजॉइंट राइट कोसेट्स इज जी, हेंस तो हम लोग जी को क्या लिख सकते हैं, जितना भी हमारे पास डिसजॉइंट राइट कोसेट है उसका यूनियन, तो दिस इज एच ए वन यूनियन एच ए टू यूनियन एच ए थ्री एंड अप टू यूनियन एच ए के, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो जी में होगा, अब चूंकि ये एच ए वन एच ए टू सारा डिसजॉइंट है, तो जब हम लोग नंबर निकालेंगे तो पहले तो हम लोग ऐसे लिख दे रहे हैं कि ये एच ए के, हम लोग क्या कह रहे हैं, चाह रहे हैं कि जी का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो निकालना चाह रहे हैं, तो जे सारा डिसजॉइंट है तो यहाँ पे भी जो नंबर्स डिवाइड होगा वो क्या हो जाएगा, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच ए वन प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच ए टू प्लस अप टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच ए के लिख सकते हैं, और ये इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी का क्या मतलब है कि ऑर्डर ऑफ जी क्या हो गया, और ऑर्डर ऑफ जी हम लोग एज्यूम किए कि एन है। अब हम लोग ये भी बात किए थे कि जो भी राइट कोसेट्स होगा उसमें एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होगा, इसका मतलब उस राइट कोसेट के अंदर एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, तो एच ए वन के अंदर भी एम एलिमेंट्स, एच ए टू के भी अंदर भी एम, और एच ए के भी अंदर एम, तो दिस एम प्लस अप टू एम, कहाँ तक, अप टू के टाइम्स, ये कहाँ तक होगा, के टाइम्स तक जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या देख लिए, एन इज इक्वल्स टू ऐड करेंगे तो ये के इंटू एम आएगा, इसका ये मतलब हो गया कि हम लोग देख रहे हैं कि एम जो है वो डिवाइड्स कर रहा है हमारा एन को, एम क्या डिवाइड कर रहा है एन को, दिस इम्प्लाई कि ऑर्डर ऑफ जो सब ग्रुप एच है वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को, ऑर्डर ऑफ एच जो होगा वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, प्रूफ हो गया, थ्योरम क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक थ्योरम है, हम लोग बस राइट कोसेट का कुछ जो सिंपल प्रॉपर्टी है उसे बस यूज किए यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग ये पहले भी बात कर चुके कि ये जो थ्योरम है इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, ठीक है, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। ओके, उसके बारे में बात करते हैं। नोट में लिखते हैं कि कन्वर्स ऑफ लैग्रेंज थ्योरम मे नॉट बी ट्रू, कि ये ट्रू नहीं भी हो सकता। एग्जांपल लेते हैं इसके लिए कि हम लोग जी एज्यूम कर ले रहे हैं ए फोर, देन ऑर्डर ऑफ जी कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी जो हो जाएगा हमारा, दिस इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए फोर विच इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। ये परमोटेशन ग्रुप में जो इवन परमोटेशन का ग्रुप फॉर्म हो रहा है उसका ऑर्डर हम लोग देख लिए कि ये आ गया 12। ओके, अब जो पॉसिबल ऑर्डर जो सब ग्रुप होगा हम लोग ये देखते हैं कि पॉसिबल ऑर्डर जो हो सकता है सब ग्रुप का, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, ग्रुप वो हो सकता है 1, 2, 3, 4, 6, 12, ये सारा नंबर से डिवाइड कर रहा है तो ये पॉसिबल नंबर हो गया। लेकिन यहाँ पे सिक्स ऑर्डर का कोई सब ग्रुप नहीं मिलता है, बट ए फोर हैज नो सब ग्रुप ऑफ
ऑर्डर सिक्स, सिक्स ऑर्डर का कोई सब ग्रुप नहीं मिलता है। अब इसका प्रूफ थोड़ा लेंदी है तो हम लोग इस वीडियो में नहीं करेंगे, उसके लिए हो सकता है मैं कभी सेपरेट वीडियो बना दूं अगर आप लोगों को जानना हुआ तो, ठीक है। बट हम लोग ये जानेंगे कि जो कन्वर्स जो होता है लैग्रेंज थ्योरम का वो ऑलवेज ट्रू नहीं होता है। अब इसका एप्लीकेशन क्या हो गया कि ऐसा कोई नंबर जो किसी, जैसे कि 12 को कौन कौन डिवाइड नहीं कर रहा है, 12 को 5 डिवाइड नहीं कर रहा है, 12 को और यहाँ पे 7, 8 ये सब डिवाइड नहीं कर रहा है, तो हम लोग ये बोलेंगे कि A4 के पास ये जो ग्रुप है 12 ऑर्डर का A4, इसके पास 5, 7, 8, 9, 10, 11 इन ऑर्डर का कोई सब ग्रुप नहीं हो सकता। तो ये एप्लीकेशन हो गया लैग्रेंज थ्योरम का। कोई भी हमें ग्रुप दे दे, पूछे कि इस ऑर्डर का ग्रुप होगा, तो हम लोग सबसे पहले क्या चेक करें, क्या वो उसे डिवाइड कर रहा है, अगर कर रहा है तो हो सकता है वो, ठीक है। ओके ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।